इस वीडियो में मैं कोलकाता के दक्षिणेश्वर स्थित आद्यापीठ मंदिर में लेकर चलता हूँ, जिसे महान संत अन्नदा ठाकुर ने बनाया था। ये मंदिर अद्भुत स्वप्न के माध्यम से इसका आदेश प्राप्त हुआ और अन्नदा ठाकुर 38 साल तक शरीर में रहे उनका, और पूरे जीवन उनको महान संत रामकृष्ण परमहंस ने निर्देश दिया कि ऐसा करना है, ऐसा मंदिर बनाना है और इतना भोग ऐसे ऐसे चढ़ेगा। और देखिए क्या अद्भुत चमत्कार है, रामकृष्ण परमहंस जी समाधि महासमाधि ले चुके थे, शरीर छोड़ चुके थे, उसके बाद इनको स्वप्न में आए और पूरा निर्देश दिया। अद्भुत घटना है, उसी निर्देश के मुताबिक अन्नदा ठाकुर ने ये मंदिर बनाया है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। और मैंने यहाँ के वहाँ के जनरल सेक्रेटरी कम ट्रस्टी से इंटरव्यू किया है, वो भी आपको सुनाऊंगा, और भोग में क्या मिलता है ये भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं इस दिलचस्प वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आद्यापीठ के मुख्य मंदिर की मूर्तियां हैं। सबसे नीचे रामकृष्ण परमहंस की पवित्र मूर्ति, उसके ऊपर माँ आद्या की पवित्र मूर्ति और सबसे ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति। ये अन्नदा ठाकुर हैं और ये रामकृष्ण परमहंस, जिनके आदेश से अन्नदा ठाकुर ने ये मंदिर बनवाया था। आइए आगे बढ़ते हैं। सामने जो दिखाई दे रहा है वो हाल है, कार्यक्रम हाल, जिसको नाट मंदिर कहते हैं बांग्ला में। नाट मंदिर की दाईं ओर ये नाट मंदिर है, तो नाट मंदिर के दरवाजे पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति। अब चलिए दाईं ओर चलते हैं। इस नाट मंदिर के दाईं ओर छोटे छोटे मंदिर बने हैं, देखते हैं उन मंदिरों में कौन सी पवित्र मूर्तियां रखी गई हैं। ये सामने देखें आप, इस मंदिर के संस्थापक अन्नदा ठाकुर और बाईं ओर सफ़ेद दाढ़ी वाले तारकनाथ बाबा, इन साधु का नाम है। ये इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, फिर उसके बगल में एक और पवित्र शिवलिंग अलग रंग का, और इसके माए माँ काली की मूर्ति नहीं ये फोटो। आइए वापस चलते हैं। और इन मंदिर इस मंदिर के पीछे जो बालिका विद्यालय है उसको देखते हैं। ये है इस मंदिर के पीछे ये विशाल बालिका विद्यालय, जो इस आद्यापीठ के परिसर में है, बहुत ही विशाल स्कूल। अब आगे बढ़ते हैं। इसी जगह खड़े होकर दूर से मुख्य मंदिर की मूर्तियों को देखा जा सकता है, मूर्तियों को छू नहीं सकते। ये देखें बाईं ओर, नाट मंदिर के बाईं ओर ये पवित्र शिवलिंग है, देखें ये पहला शिवलिंग, पवित्र शिवलिंग, और बाईं ओर एक और पवित्र शिवलिंग, और फिर एक शिवलिंग, और यहाँ पर विभिन्न देवताओं की पवित्र मूर्तियाँ, अत्यंत मनोहारी। और पूजा सामग्री, यहाँ फिर एक पवित्र शिवलिंग। अब देखें ये पूजा हो रही है, लेकिन यहाँ फोटो वीडियो बनाने से पुजारी जी मना कर रहे हैं, तो इसलिए मैं वापस आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस विशाल आद्यापीठ परिसर में चलते हैं और देखिए ये ब्रह्मचारी फोन से बात करते हुए कहीं जा रहे हैं। आगे ये भोजनालय है,
इसी में बैठकर लोग भोजन करते हैं। कुछ अंधेरा सा है, विशाल भोजना भोजन कक्ष, टेबल और बेंच लगे हुए। आगे बढ़ते हैं, अभी ये सामने एक बहुत ही स्वच्छ पोखरा, तालाब इस मंदिर परिसर में देखें, एकदम स्थिर साफ पानी, चारों ओर इस तालाब की हरियाली। ये स्वच्छ तालाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही सन्यासी जी मंगल आरती करते हैं। ये आरती करने जा रहे हैं, 10:30 बजे आरती होगी। वो आरती का वीडियो बनाने से रोका गया था। ये है रसोई घर, जिसको बांग्ला में रान्ना घर कहते हैं, लिखा है रान्ना घर, ये रसोई घर है। आगे बढ़ते हैं, दूर तक चलते चलते बहुत दूर तक, मैं इतनी दूर, ये लड़कियों का हॉस्टल है, लड़कियां अपने हॉस्टल से निकल रही हैं बालिका विद्यालय के लिए। आगे बढ़ते हैं तो आगे काफ़ी दूर तक चलते चलते मुझे ये लड़कियां पॉलिटेक्निक कॉलेज है बाएँ, वहाँ पढ़ने वाली हैं, बाएँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये है पॉलिटेक्निक कॉलेज अध्यापीठ परिसर के अंदर। और क्या क्या है इस मंदिर परिसर के अंदर, वो इस आद्यापीठ के और दक्षिणेश्वर रामकृष्ण संघ के जनरल सेक्रेटरी और ट्रस्टी मुराल भाई के इंटरव्यू से पता चलेगा। वो इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा। वापस लौट रहे हैं हम लोग, और ये यहीं से खड़े होकर के देखिए, ये आरती हो रही है, लेकिन मुझे शूटिंग से मना किया गया है। ये आपने देखा ही है अभी अभी। ये हैं इस दक्षिणेश्वर रामकृष्ण संघ के जनरल सेक्रेटरी और ट्रस्टी मुराल भाई। इन्होंने बहुत ही प्रेम से, बहुत ही उच्च कोटि के साधु, इन्होंने बहुत प्रेम से मुझे प्रसाद खिलाया। ये मुझे प्रसाद दिया गया है, फिर ये भोजन दिया गया, और इसमें खीर भी बाद में मिली मुझे, विभिन्न प्रकार के पकवान, और ये पुलाव, और ये है प्रसाद का कूपन जो 60 रुपये में मिलता है, 60 रुपीज़ में, लेकिन मेरा पैसा नहीं लगा, मैं तो मंदिर का अतिथि था। मेरे साथ आद्यापीठ के जनरल सेक्रेटरी कम ट्रस्टी मेरे साथ हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और आद्यापीठ के बारे में डिटेल जानते हैं। मुराल भाई, आप आद्यापीठ में कब से हैं? 1970 से। अच्छा, इस मंदिर की पवित्रता के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा बताएं। यह मंदिर का फाउंडर श्री श्री अन्नदा ठाकुर, ही वॉज गोइंग टू बी ए ग्रेट डॉक्टर आफ्टर डिस्कवरिंग 7 medicines फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस। विद इन 1 year ही विल बी ए मैन ऑफ लॉट ऑफ मनी एंड 100 amas tested में बहुत बढ़िया डिस्पेंसरी करके डॉक्टर हो के बैठेगा। कोई टाइम पर रामकृष्ण देव टोल्ड नॉट दिस लाइफ बट समथिंग हायर, यू गो टू ईडन गार्डन यू विल फाउंड गॉड सद्दमा बिटवीन कोकोनट एंड पाकुट ट्री। After getting Adama, his life completely changed from worldly affairs to a spiritual path. Guruji told, spiritual knowledge is only the thing that can remove our miseries forever. Adhyatmik gyan aisa ek cheez hai jo
सब दुख को चला जाएगा एवं फास्ट ही एस्टैब्लिश्ड विडो मदर्स इंस्टीट्यूशन बिरेप्ट ऑफ हस्बैंड एंड सॉन। गुरु जी टोल्ड हू विल नॉट वाइफ आउट टू विडोज टीयर्स और टू ब्रिंग ए पीस ऑफ ब्रेड टू द ऑर्फन माउथ। जो धर्म विधवा माँ का आँख नहीं मुचाता है अथवा अनाथ लड़का लड़की को खाना दे नहीं देता है कोई धर्म में विश्वास नहीं करेगा। तो डेली 500 गरीब माँ का दरबार में नारायण सेवा बोलता है। इसके बाद में ही एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन दैट इज बालिका आश्रम। गुरुजी टोल्ड वुमेन शुड हैव द सेम स्टेटस एज मैन इन सोसाइटी। छेलेदेर एवं मेयेदेर एक सत्ता होना चाहिए। इफ दे कैनॉट कंट्रीब्यूट देयर शेयर फॉर द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी सोसाइटी इज द लूजर। सोसाइटी कैनॉट प्रोग्रेस डिपेंडिंग ऑन मैन अलोन। शुद्ध मेरा पितृदेव को देख समाज नहीं चलता है। मेरा घर पर मेरा माँ ठीक है तो सब ठीक है। अच्छा, इस मंदिर में क्या क्या एक्टिविटीज होती है? अभी तो बीएड कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, पीटीटीआई कॉलेज, दुकाना हायर सेकेंडरी स्कूल, संस्कृत कॉलेज सब चलता है। माँ का दरबार में 2,500 अनाथ लड़का अनाथ लड़की, वृद्ध वृद्धा, विधवा माँ, ओल्ड एज होम, होम फॉर होमलेस, डेली माँ का दरबार में खर्चा है 2,50,000 रुपया। बट इंस्टीट्यूशन ओनली डिपेंड्स ऑन चैरिटी। मैं जो लंदन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इंडोनेशिया, चीन में जाता है पूरा प्रश्न करता है वी आर मेडिटेटिंग टू टेक नेक्स्ट बर्थ इन इंडिया। परवर्ती जन्म जना इंडिया में पैदा हुआ। मेरा अभी आपकी आयु कितनी हुई, एज कितना हुआ मुराद भाई? 80 साल हो गया। 80 ईयर्स। अच्छा, आपका संसार के लोगों के लिए क्या संदेश? गुरुजी टोल एक कर्मयज्ञ खुल दिया, लगे तक दोनों है। अभी हमारे प्रतिष्ठान का एक घास दो टुकड़ों जो करते कराए करेगा वो अंतिम में मैं उनको पास रहेगा। आवर फाउंडर ही यूज टू लिव ओनली 37 ईयर्स। हिज होली कंसर्ट वाइफ ओनली 28 ईयर्स 5 मंथ्स। तो दिस लाइफ इज शॉर्ट, ए जीवन खनिकर। The vanities of the world are transient. आत्मश्लाघा अहंकार दो दिन के लिए। They only तारा ही बेचे थके। Who live for others, जरा परेर जन्य बाचे। The rest are more dead than alive, बाकीरा जीवन थक तो अमृत। किंतु श्रीनंद तो विश्व अमृत विश्व पुत्र, मेरा अमृत का संतान है। तो वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग एज यू लाइक। गुरुजी टोल्ड वर्क ऑन टू डेथ फॉर अदर्स, पर के लिए काम कर जाओ। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारा साथ में रहेगा। एन आई एम गॉन माई स्पिरिट टू वर्क विथ यू। यदि मेरा स्थूल शरीर चला जाएगा, मेरा सूक्ष्म शरीर तुम्हारा साथ में काम करेगा। और गुरुजी टोल्ड वी आर द सन एंड डॉटर ऑफ सेम मदर। मेरा एक ही माँ का लड़का लड़की है, इसीलिए एवरी मॉनार्क एवरी सेंट शुड बी एड्रेस्ड एज भाई। सबको भाई बोले संबोधन कर गया, इसीलिए मेरा नाम ब्रह्मचारी मुराल भाई।
गुरु जी का नाम है। अच्छा, तो मुराद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रणाम।